कैसे हैं बट आप लोग, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 7 वेनेस्ट्री 19 डेट एयर पोल्यूटेंट एंड द इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, फ़िज़ाई आलूदगी और इसके इंसानी ऑर्गन सिस्टम पर असरात क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस ऑडरलेस एंड पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग बदबू और जहरीली गैस है। इट इफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये इंसान के सिस्टम्स को बुरी तरह मुतासर करती है और सर दर्द की वजह बनती है। ब्रेन डैमेज दिमाग की खराबी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और निज़ाम में तनफ्फुस की बीमारियों की वजह बनती है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे उनमें पहुंचती है, बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इसके ऑक्सीजन को लेके जाने की सहायता को कम कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये एक बेरंग गैस है विद इरीटेटिंग स्मेल, जिसकी चुभने वाली बू है। इट डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये बारिश के पानी में हल होती है, कॉजेज एसिड रेन और तेजाबी बारिश की वजह बनती है। एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो वहाँ पे सांस में लेने में मुश्किल आता है, नमूनिया हो सकता है या फिर लंग कैंसर एटसेट्रा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल टॉक्सिक गैसेज। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो जहरीली गैसें हैं। दे डिजॉल्व इन रेन वाटर टू कॉज एसिड रेन, ये भी बारिश के पानी में हालों का तेजाबी बारिश की वजह बनते हैं। दे हैव सीवियर इफेक्ट ऑन लंग्स एंड डैमेज देम, इनका फेफड़ों पर बहुत बुरे साथ होते हैं और ये उन्हें मुतासर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर नोट लिखें। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ, तो इसका कुछ हिस्सा जमीन में जज़ब हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ बैक टू द एटमोसफेयर, इसका कुछ हिस्सा दोबारा से जमीन से टकराने के बाद फिजा में चला जाता है। सम गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमोसफेयर टेम्परेचर। तो हवा में जो मौजूद गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या वाटर वेपर्स होते हैं, वो इस रिफ्लेक्ट की गई हीट का कुछ हिस्सा जजब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इन गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस फिनोमेना को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन्हें राइट भी करना है और अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।